देखिए, मैं पश्चिम बंगाल चुनाव में रही हूँ। जिस तरह से टीएमसी का और ममता बनर्जी का शासन है, अराजकता का पूरा वहाँ पर शासन है। महिलाएं वहाँ सुरक्षित नहीं हैं। आपने चुनाव के बाद भी बहुत सी गतिविधियाँ जो थीं वो दबा दी गई हैं। उनमें यदि देखा जाए तो सबसे ज़्यादा महिलाओं को प्रताड़ित किया जाता है, क्योंकि महिला परिवार की कमज़ोर कड़ी होती है। उस पर प्रहार टीएमसी के लोग पहले करते हैं। यदि किसी व्यक्ति ने किसी दल का सपोर्ट कर दिया तो उनके परिवार में सबसे पहले महिलाओं पर हमला करते हैं, और जबकि वहाँ की खुद की मुख्यमंत्री एक महिला है, लेकिन हम ये कहेंगे कि वो क्रूर महिला है। अराजकता से उसका बहुत बड़ा नाता है। जहाँ महिलाओं के बात आती है वहाँ वो मौन हो जाती है, और जहाँ पर दल की बात आती है तो वह मुखर हो जाती है। अब बताइए कि महिला का सम्मान बड़ा है कि दल का सम्मान बड़ा है। मैं ऐसी मुख्यमंत्री को की निंदा करती हूँ जिन्होंने एक बुनते भविष्य को, स्वास्थ्य की जो सेवाएं दे रही है डॉक्टर के साथ में, अमानवीय और घोर अमानवीयता से उनके साथ में रेप किया गया, उनके अंग भंग किए गए, यहाँ तक कि उस घटना को दबाने की भी कोशिश की गई है। देखिए रोहिंग्या, आप चारों तरफ देख रहे हैं, हमारे लोग यदि जाते हैं कार्ड बनवाने तो उनसे 100 प्रकार की पूछताछ की जाती है, लेकिन जब रोहिंग्या बॉर्डर पर आते हैं, मैं खुद वहाँ पर रही हूँ पश्चिम बंगाल में, तो मैंने देखा है कि वहाँ पर आप रोहिंग्या शासन चला रहे हैं। अरविंद केजरीवाल भी रोहिंग्या लोगों के पक्ष में वोट बैंक की खातिर, अपनी सरकार चलाने की खातिर आरक्षकता दिल्ली में भी फैला, जबकि दिल्ली बहुत संवेदनशील हमारा है और वो पूरी राजधानी प्रभावित करती है पूरे देश को। इस तरह की आरक्षकता केजरीवाल कर रहे हैं वहाँ पर। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।